प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का जो शुभ दिन वह है 17 तारीख 17 सितंबर। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी जी, जिसमें यदि आप देखते हैं तो अंक 5 की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और 5 के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो 5 जैसा कि हम कहते हैं कि एक प्रकार का फाइटर अंक भी होता है। यदि आप भारत का इतिहास उठा के देखते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका भी यदि आप डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो 23 जो है जनवरी है, 2-3-5 का अंक वहाँ पर भी है। साथ साथ बाल गंगाधर तिलक कोई भी आप देखते हैं तब भी है 23 जुलाई, वहाँ पे भी 5 का अंक है चंद्रशेखर आजाद। तो जैसा कि मैं कह रहा था, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जिनका की जन्मदिन है आज, तो एक महत्वपूर्ण दिन और एक चीज़ आज का दिन जो है संकेत यह करता है कि आने वाला जो वर्ष है पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा। पिछला जो वर्ष था वो थोड़ा शनि और मंगल से युक्त था। जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव होता है और अचानक परिवर्तन भी होता है। जैसा कि आपने जब लोकसभा के जो चुनाव परिलक्षित हुए उसमें देखा होगा कि एक सहसा जिस प्रकार के हम परिणाम की अपेक्षा कर रहे थे वैसा परिणाम नहीं आया और थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन उसकी तुलना में यह जो आगामी समय है अनुकूल होगा और थोड़ा सा बेहतर होगा। वो अपने देश का नाम बड़े पटलों पर बड़े मंचों पर जो है देश का नाम जो है रोशन करेंगे, और यही हमारी कामना भी। पहले दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है उनके लिए जो आज का दिन है, अंक 1 वाला धन से जुड़े क्षेत्रों पे हो सकता है थोड़ा मन व्यथित हो और उस चीज़ पे चिंतन कर रहा हो कि नया धन किस प्रकार से उत्पादित किया जाए या धन को पैदा किया जाए, अर्थात नए धन के जो मार्ग किस प्रकार खुले, इसके बारे में विचार। अंक 1 का जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1920 है उनके लिए आज का दिन शुभ कार्य क्षेत्र में सफलता है, थोड़ा सा मन में विषाद की स्थिति लेकिन कुल मिला के मध्यम फलदायक कह सकता हूँ। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/1921 है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जिसमें वो लटक जाए, अर्थात ना आगे बढ़ पाए ना पीछे आ पाए, कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ। अंक 3 के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4/13/1931 है अपने बड़े बुजुर्ग से परामर्श ले और उसके बाद अपने गुरु की राय ले और उसके बाद अपने कार्य को करें तो बेहतर, अन्यथा उन्हें कार्य क्षेत्र पर रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/1923 हो सकता है कुछ चीज़ें मन में कुछ ऐसा हो कि मन आपका थोड़ा सा दुखी हो गया हो, कुछ उस प्रकार की स्थितियाँ। 5 के लिए बनती हुई और हो सकता है जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उसमें आपका मन ना लग रहा हो, कहीं और जाने की आपकी इच्छा हो। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/1924 है उनके लिए जो आज का दिन है शुभ नहीं है। संकेत कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे समाचार जो उनके लिए अनुकूल ना हो वैसे प्राप्त नहीं हो सकते हैं, या फिर किसी अन्य क्षेत्र पर कुछ और समस्याएँ आ सकती है, तो थोड़ा सा देख के चले। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/1925 है उनके लिए आज का समय महत्वपूर्ण, कार्य अधिक और समय कम, कुल मिला के इस प्रकार की स्थितियाँ, लेकिन दिन उनके लिए अनुकूल। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/1926 है उनके लिए बस यही कहूँगा कि दिल है मुश्किल जीना, यहाँ कहीं और चले मेरी जहाँ, अर्थात समय पे जो है अभी आपका मन जो है लग नहीं रहा और कहीं और जाने का मन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं घूम के आया जाए, कहीं कुछ कहीं दूर थोड़ा चला जाए हरी वादियों की छाँव में जहाँ आपको थोड़ा सा आनंद मिले। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18/27 है वो प्रतीक्षा कर रहा कि अपना टाइम कब आएगा, अर्थात मेरा समय कब आएगा, अच्छा समय कब आएगा, इन दोनों के बीच में एक निर्णय की अनिर्णय की स्थिति में और एक चुनाव की स्थिति में अंक 9। तो दोस्तों ये हुई चर्चा अंक 1 से लेकर 9 तक की और आज के दिन 17 सितंबर की। आपको इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट भी पास कर सकते हैं, और इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं 7415111400 पर। और अधिक से अधिक मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को शेयर करें ताकि यह जानकारी लोगों को मिल सके। थैंक यू।